और चलिए सीधा आपको रोहतक लिए चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका संबोधन सुनते हैं। करने के लिए आज हमारे बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी पहुंचे हैं। भाइयों, हम देखते हैं कि कांग्रेस के सरकार ने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी नींव को खड़ा करने का काम किया है, आने वाले इस 3 महीने के बाद मैं वो देख रहा हूं वो कांग्रेस की नींव हरियाणा के अंदर ढल जाएगी और तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाइयों, इसको लेके हम सब ने जनता के बीच में जाते हुए भाइयों एक एक घर के अंदर ये संकल्प लेकर के जाएंगे और जो आदरणीय धर्म मंत्र देंगे और भाइयों जब 4 तारीख को रिजल्ट आए दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और करनाल के लोगों ने तीसरी बार का संकेत यह दिया कि छोटे मैंडेट के साथ नहीं बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भाइयों, ये संकेत ये हरियाणा की जनता ने ये दिया है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से हमारी सरकार ने गरीब के हित में, महिलाओं के हित में और युवाओं के हित में, किसान के हित में बड़ी ईमानदारी से काम किया है और उसका परिणाम है कि कांग्रेस का झूठ चलने वाला नहीं है, उसका नकाब जनता के बीच में उतारने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा और अक्टूबर में हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आज हमारे बीच में आज दोनों नवनियुक्त प्रभारी और हमारे सभी केंद्रीय मंत्री और संसदगण आज इनका यहाँ स्वागत अभिनंदन समारोह रखा गया है। मैं इनका आप सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ और आप सबको पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।